नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका स्टडी डॉट कॉम के ट्यूटोरियल में। भाई देखो, अभी एक कमेंट आया था मेरे पास कि पॉलीटेक्निक का फॉर्म जो है कब भरा जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे सामने सरकारी एग्जाम का एक जो है एप्लीकेशन है, ओके, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें नीचे जो है आने पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है बिहार पॉलीटेक्निक डिप्लोमा ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, ओके। देखो, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड का ये फॉर्म जो है अभी, तो कहने का मतलब कि अभी जो है पॉलीटेक्निक का फॉर्म जो है अभी भरा जा रहा है, ओके ना। और आप इसको भर सकते हो अभी, ठीक है, ये फॉर्म अभी भरा जा रहा है और आप इसको जो है अभी भर सकते हो। भरने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, चलो आपको बता देते हैं। देखो, फॉर्म भरने के लिए स्टार्टिंग डेट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो 18 मार्च है, 18 मार्च से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। चार तरीके के कोर्स हैं, फॉर्म वन कोर्स, एक कोर्स के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी हो तो 750 रुपये लगेंगे और एससी एसटी हो तो 480 रुपये लगेगा। चार कोर्स कौन कौन है अभी आपको बता देते हैं, नीचे है। दो कोर्स अगर आप भरना चाहते हो तो दो कोर्सों के लिए है 850 और 530, जनरल और ओबीसी के लिए 850, एससी एसटी के लिए 530 रुपये है। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, आप पढ़ सकते हो। बस आपको ये बता देता हूँ कि कैसे इसको देखा जाता है, ओके। यहाँ लास्ट डेट ध्यान देना, 17 अप्रैल 2020 तक इसका अंतिम डेट है। और ऑफलाइन जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो ऑफलाइन लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का 18, और ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट केवल, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो और पेमेंट करना केवल रह जाता है तो फिर वो आप 19 अप्रैल तक कर सकते हो। ऐसे रजिस्ट्रेशन करने की डेट 17 अप्रैल तक ही है इसकी, ओके। एग्ज़ाम देख लो, एग्ज़ाम इसका मई महीने में होगा, एडमिट कार्ड अप्रैल महीने में आएगा। यहाँ चार कौन कौन सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का लोकेशन, एग्ज़ाम आपका होगा बिहार में ही, ओके। और एज की लिमिट क्या होगी, तो जो पीई है, पीई का क्या मतलब होता है, पीई का मीनिंग होता है, देखो नीचे है, यहाँ पीई मीन्स पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, ओके। तो अगर आप पीई के लिए भर रहे हो तो कोई मिनिमम एज इसमें नहीं दिया गया है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप पीएमडी के लिए भरोगे, पीएमडी नीचे है, पारा मेडिकल, ओके, पीएमडी यहाँ पारा मेडिकल डेंटल, ओके, इंजीनियरिंग है ये। और अगर आप पीपी के लिए भर रहे हो तो इसके लिए पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अब देखो, पीपी के लिए मिनिमम एज चाहिए 19 साल और पीएमडी के लिए 15 से 30 साल मिनिमम एज चाहिए। और जो पीएम है आपका, डेट इज़ पारा मेडिकल डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओके, तो इसके लिए जो है आपको एज चाहिए 17 से 32। आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, ऐसे पीई वाले कैटेगरी में सब लोग आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पीई के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप पीई के लिए भरना चाहते हो तो यहाँ देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ये 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो पीई के लिए आपको मतलब पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए केवल 10वां पास होना चाहिए। तो अभी आप लोग अभी अभी 12th पास करके बैठे हो घर पे, आराम से ये फॉर्म आपके लिए है। और पीपी के लिए 10th पास चाहिए लेकिन प्लस में आईटीआई मांग रहा है, ओके, तो ये आप देख लेना, जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग इसको भर सकते हैं। ऐसे यहाँ नीचे जो है पीएम के लिए, फिर यहाँ दिया हुआ है पारा मेडिकल के लिए क्या क्या है, ओके। अब पारा मेडिकल में अलग अलग है, एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक है जीएनएम, ठीक है, और एक है एएनएम। जीएनएम एएनएम केवल और केवल ये लड़कियों के लिए है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, ओके। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है इसकी अलग अलग आपकी प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग स्टेप है। स्टेप जानने के लिए आप यहां नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो क्या क्या स्टेप होगा। स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन, स्टेप टू जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टेप थ्री में अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर करोगे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दोगे, इसके बाद देखोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ओके, ये कर दो,
एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास इंजीनियरिंग लाइन में जाने की, और क्या होता है पॉलिटेक्निक ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो थैंक यू सो मच।